राजनीति राजनीति करने से, सरकार बनाते गिराते रहने से जनता को लाभ नहीं। भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है। बड़ा समस्या ये भी आ रहा है कि भारत के जो ईस्टर्न राज्य हैं, जो उत्तर के राज्य हैं, ये कहीं ना कहीं इस विकास की धारा से छूट। सर्वांगीण विकास तो देश का होना ही है, लेकिन सबको साथ लेके विकास करना। जब तक बिहार देश के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक सही मायने में देश का विकास नहीं हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद विधानसभा चुनाव की तरफ सभी दल बढ़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तैयारी में है। लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी के 28वें स्थापना दिवस पर एक बात कही थी कि सरकार अगस्त में गिरने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव पे। धन्यवाद। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि सरकार ज्यादा दिन आप लोग की चलेगी नहीं, अगस्त में सरकार गिर जाएगी, लगता है ऐसे? मैं कहूंगा मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखने में कोई जो है पाबंदी नहीं है, जिसकी जो इच्छा है वो देखे। सरकार जो है एनडीए की चल रही है, अच्छी चल रही है, केंद्र में भी चल रही है, बिहार में भी चल रही है, और मजबूती से बिहार का काम करने के मूड में सरकार आगे बढ़ी है। राजनीति राजनीति करने से, सरकार बनाते गिराते रहने से जनता को लाभ नहीं होता है। जरूरत है कि लोग सरकार बनने के बाद जनता का काम करें, और वही नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी मिलके मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना हो या आरक्षण का दायरा बढ़ाना हो, ये कभी नहीं मिला बीजेपी की तरफ से। नीतीश कुमार ने एक बैठक की है, अपना मैनिफेस्टो ही उन्होंने बना लिया है कि इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिला के रहना है। इस विषय पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में तकरार होगी। देखिए, मेरा मानना है एक बिहारी के तौर पर कि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी चर्चा है। हम $4 trillion की अर्थव्यवस्था, जो लगभग लगभग 320 हजार करोड़ की अर्थव्यवस्था भारत बन गया है, पर इस परिवेश में एक बड़ा समस्या ये भी आ रहा है कि भारत के जो ईस्टर्न राज्य हैं, जो उत्तर के राज्य हैं, ये कहीं ना कहीं इस विकास की धारा से छूट रहे हैं। उसमें बंगाल भी है, उसमें बिहार भी है, उसमें झारखंड भी है, उसमें बिहार से सटा हुआ उत्तर प्रदेश का एक खंड भी है, उसमें नॉर्थ ईस्ट का भी भाग है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट कहा है कि सर्वांगीण विकास तो देश का होना ही है, लेकिन सबको साथ लेके विकास करना है। तो उस मापदंड को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार के लिए भी, बाकी उत्तर के जो राज्य हैं उन सब के साथ साथ बिहार के लिए भी विशेष ध्यान, और बिहार की 13 करोड़ आबादी जो आज भी अत्यंत गरीबी में, 6 करोड़ से अधिक लोग हैं, उनके सहयोग के लिए, उनके हाथ के मजबूती के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके जीवन यापन के लिए जो सुधार की आवश्यकता है, उसमें केंद्र सरकार बिहार की मदद जरूर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और जितनी जल्द हो उतना अच्छा है। मतलब विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज मिलेगा। देखिए, गरीबी में 6 करोड़ से अधिक लोग हैं, उनके सहयोग के लिए, उनके हाथ के मजबूती के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके जीवन यापन के लिए जो सुधार की आवश्यकता है, उसमें केंद्र सरकार बिहार की मदद जरूर करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है, और जितनी जल्द हो उतना अच्छा है। मतलब विशेष राज्य का दर्जा नहीं, विशेष पैकेज मिलेगा। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, ये विषय मेरा नहीं है, ये सरकार का विषय है। मेरा मानना है कि बिहार पिछड़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जब तक बिहार देश के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक सही मायने में देश का विकास नहीं हो रहा है, क्योंकि इस बिहार में पूरे देश की 10% आबादी, 100 में से 10 आदमी भारतीय जो है वो बिहारी है, तो 10% भाग को छोड़ के आप विकास नहीं कर सकते। तो हम बिहार के विकास के लिए भी कोई ना कोई तरीका जरूर निकलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बड़ी कंपनी है SIS आपकी, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो नौकरी करते हैं। विशेष राज के दर्जे के साथ एक बड़ा हब बनेगा बिहार इंडस्ट्रियल का। देखिए, मैं इसको अपने
पर्सनल व्यवसाय से जोड़ के नहीं देखता हूँ। मेरा ये मानना है कि बिहार में आज के डेट में सरकारी रोजगार जो प्राप्त होनी थी वो तो नीतीश कुमार जी ने डिक्लेयर किया है कि सरकारी रोजगार उपलब्ध ताबड़तोड़ तरीके से जो भी वैकेंसी भरने का काम है वो हो रहा है और आगे भी होगा, लेकिन साथ ही साथ सरकारी रोजगार पूरे बिहार के हर युवा को नहीं मिल सकता है, ये सब जानते हैं। तो जिनको सरकारी रोजगार नहीं हो पा रहा है उनको कैसे रोजगार होगा, उसके लिए हमको प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा। जो लोग अपना कोई ना कोई कारोबार करना चाह रहे हैं उनको हमको कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक संबल देना पड़ेगा, वो लोन के माध्यम से हो, ग्रांट के माध्यम से हो, ताकि वो अपना काम पहली बार शुरू कर सके, रोजगार दाता बन सके। तो मुझे लगता है कि एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस विषय पे नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी जी मिलके, विजय सिन्हा जी मिलके बना रहे हैं, जिसमें कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार की पूरी बड़ी भूमिका है और बिहार पुनः एक बार विकास की ओर सरपट दौड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक अंतिम प्रश्न है, आप युवा हैं, बिहार के युवाओं की भागीदारी 2025 के चुनाव में कितनी ज्यादा रहेगी? देखिए, बिहार का युवा, मैं आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताता हूं। इस देश में 140 करोड़ की आबादी के देश में कहा जाता है कि भारत एक युवा देश है, क्योंकि हमारी जो मीडियन एज है, औसत आयु हमारी आबादी की, वो 28 वर्ष है पूरे भारत की। पर बिहार जो 13 करोड़ लोगों का राज्य है, इसकी औसत आयु निकालिएगा तो मात्र 22 साल है। तो अगर देश दुनिया में युवा है, और पुनः एक बार विकास की ओर सरपट दौड़ेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। एक अंतिम प्रश्न है, आप युवा हैं, बिहार के युवाओं की भागीदारी 2025 के चुनाव में कितनी ज्यादा रहेगी? देखिए, बिहार का युवा, मैं आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से बताता हूं। इस देश में 140 करोड़ की आबादी के देश में कहा जाता है कि भारत एक युवा देश है, क्योंकि हमारी जो मीडियन एज है, औसत आयु हमारी आबादी की, वो 28 वर्ष है पूरे भारत की। पर बिहार जो 13 करोड़ लोगों का राज्य है, इसकी औसत आयु निकालिएगा तो मात्र 22 साल है। तो अगर देश दुनिया में युवा है, तो इस देश में सबसे युवा बिहार है। तो युवा की भागीदारी तो हर एक क्षेत्र में होनी ही है, वो राजनीतिक क्षेत्र हो, वो व्यवसायिक क्षेत्र हो, या वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र हो, युवा अपनी भूमिका निभाएगा तभी बिहार का भविष्य बदलेगा। आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, ये ना मेरे हाथ में है, ना इस पे मेरा टिप्पणी करना उचित है। जो भी, जब भी काम पार्टी ने, संगठन ने दिया है, मैंने पूरे मेहनत से किया है। मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता हैं जो पूरी मेहनत इसी भाव से काम करते हैं, तो जो भी काम आगे मिलेगा उसको भी अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तमाम विषयों पर बातचीत कर रहे थे ऋतुराज सिन्हा। ऐसी ही तमाम खबरें लगातार आपको भारत लाइव पर मिलते रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।